इस बीच बड़ी खबर आ रही है निर्भया केस से जुड़ी हुई। निर्भया के दरिंदों की फांसी जो है वो चलिए, निर्भया के दरिंदों को कल फांसी नहीं दी जाएगी, अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस हो चुके हैं अमित, इसी बात का अंदेशा था कि अगर राष्ट्रपति के से दया याचिका खारिज भी हो जाती है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत बनती है, वो हिरासत में ही रहेंगे, 14 दिन का वक्त तो मिल ही जाएगा, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे, और वही हुआ शायद। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रपति के यहाँ से भी डिसीजन कितना क्विकली आता है कि आज ही दया याचिका भेजी जाती है, गृह मंत्रालय पहुंचती है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट करते हैं। और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं पटियाला हाउस कोर्ट के जहन में थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आज सुनवाई हुई, अगले आदेश तक फांसी को टाला गया, इस चीज का अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था कि अगर दया याचिका खारिज भी हो जाती है तो कानून और संविधान के मुताबिक 14 दिन का वक्त जो है वो किसी भी अपराधी को दिया जाता है। और यही वजह है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी को टाल दिया है। अमित एक और पेज था, केंद्र सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी कि अलग अलग फांसी दे दी जाए जिनकी सारी क्यूरेटिव पिटीशन हो या दया याचिका हो खारिज हो चुकी है, उसकी सुनवाई भी 5 तारीख को होनी थी, क्या उसे भी ग्राउंड बनाया गया है, क्या कुछ आया है फैसले में, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किन ग्राउंड्स को ध्यान में रख के? हालांकि ये तो होता ही कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की उसके बाद भी 14 दिन का वक्त मिलता है, लेकिन एक बिंदु ये भी था कि 5 तारीख को, 5 मार्च को उस पर सुनवाई होनी थी जो याचिका केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई थी। देखिए दो चीजें, एक तो हाई कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब जो कल फांसी होने वाली थी 3 मार्च को सुबह 6 बजे, अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की, वो फांसी नहीं होगी।